ओम वंदे गौमाता। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था, संभोग कितनी बार करना चाहिए। उसमें एक टिप्पणी बहुत बड़े पैमाने पर आई है, जिसको मैं कहूँ कि बीवी भाग जाएगी। यदि हम इनकी बात मानेंगे तो बीवी भाग जाएगी। यदि आपको भी डर सता रहा है तो ये वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको अंत में कुछ मार्गदर्शन भी मिल जाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। और हाँ, साथ में आपको ये भी मिल जाएगा कि आप जो कर रहे हैं, जो सोच चल रही है, वो कैसी है आपकी। मित्रों, इस विषय पर हम विस्तार से थोड़ी बात करते हैं। तो तीन शब्द हैं हमारे आसपास जो अधिक चलते हैं इस संबंध के लिए, जिसमें एक शब्द है निकाह, शादी, मैरिज, और हम जो हमारे सनातन समाज में जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम विवाह कहते हैं। मित्रों, यदि शादी और निकाह है तो उसके साथ तलाक जुड़ा हुआ है, विच्छेद वहाँ होता है। और यदि मैरिज है तो डिवोर्स भी है। वो बात अलग है कि यदि आप तलाक या डिवोर्स लेते तो उसके कुछ शर्तें होती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, पर हाँ, फिर भी ये समस्याएं होती हैं। लेकिन यदि आपने विवाह किया है तो वहाँ विवाह विच्छेद जैसा कोई शब्द है ही नहीं। विवाह का सीधा सा तात्पर्य होता है विशेष निर्वाह, यानी कि आपने यदि विवाह कर लिया है तो आपको कुछ विशेष जवाबदारियों से या जिम्मेदारियों से जुड़ जाना होता है और उनका पालन करना होता है। और ये जो पालन करना है वो आजीवन करना होता है, ना कि एक दो दिन, एक दो महीने, एक दो साल या एक दो दस बीस साल। ये आजीवन के लिए जुड़ता है, क्योंकि ये विवाह बंधन कुछ वचनों से होता है और कुछ ईश्वरीय, क्योंकि हर धर्म जो है ये विवाह बंधन जो बनता है ईश्वरीय सत्ता के सामने, यानी कि उनके उपस्थिति में ही बांधा जाता है। पर हाँ, कुछ चीज़ें अलग अलग कर देती हैं, उससे हम कुछ चीज़ें अलग अलग समझ सकते हैं। पर कुल मिला के हमने इसको आपको प्राथमिकता, ये जो बातें बताई इसलिए बताई कि आप जिस भ्रम में कई बार जीते हैं तो उस भ्रम में आप किस तरह अपने आप को देख सकते हैं, वहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पे कि भाई पत्नी या बीवी भाग जाएगी। यदि आपको ये डर है तो आपकी पत्नी कभी भी भाग सकती है। मित्रों, यदि आप सोचते हैं कि वो आपसे मात्र शारीरिक संबंध से जुड़ी हुई है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि यदि आपने विवाह किया है तो उसमें जो वचन आपने भरे हैं, जो आपने जो एक दूसरे से वादे या कहें प्रॉमिस की हैं, वो यदि आप निभाने के लिए तत्पर नहीं हैं तो वो कई स्थितियों में बनता है। जैसे आर्थिक तंगी आ गई, कोई रोग आदि आ गया, ऐसी स्थिति में भी आप कई बार संभोग या रतिक्रिया करने की उसमें स्थिति में नहीं होते हैं, तो भी इसका मतलब है कि आपकी उस स्थिति में भी आपकी पत्नी भाग जाएगी। तो आप किस बात के डर में जी रहे हैं? मित्रों, एक बात, यदि आपके भीतर ये डर है तो इसे आपको निकालना होगा। और यदि इसको बना के रखेंगे तो पत्नी के भागने की मात्र एक स्थितियां नहीं है, बहुत सारी स्थितियां हैं जो आप कई बार खड़ी कर लेते हैं। कुछ आपके गुस्से से भी भाग सकती हैं, कुछ आपकी कुछ और बहुत सारी चीजें। यदि आपने क्या कर दिया कि पत्नी आपकी भाग जाएगी और मात्र आपको लगता है कि मात्र ये करने से आपकी पत्नी टिकी रहेगी, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि आप आजीवन यानी कि हमेशा इस क्रिया में नहीं रह सकते, आप रोज इस क्रिया को नहीं कर सकते। और आप कहें कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तीन बार चार बार दिन में सात सात बार करते हैं, क्या आप दिन भर इसी काम को करते रहते हैं? आपके मन में मानस में सिर्फ यही चलता रहता है, आप कोई और काम नहीं करते? यदि आप कोई और काम नहीं करते हैं तो आपका जीवन कैसे चल रहा है? क्योंकि हमने ऐसी बहुत सारी टिप्पणियाँ उस वीडियो पे देखी है। उसके अलावा आपको मैं बताऊं कि यदि आपको ये डर है तो एक बात समझिए, वो पत्नी मात्र मात्र आपके सुख में साथ देगी, दुख में साथ नहीं देगी। और ऐसे पत्नी का भाग जाना सबसे अच्छा होगा आपके लिए। ऐसे जीवन साथी का साथ में ना रहना आपके लिए हितकारी होगा। जो सुख में मात्र साथ दे और दुख में छोड़ के चला जाए, ऐसे जीवन साथी से तो अकेला रहना अधिक उत्तम होगा। यदि आप इस डर से जी रहे हैं कि वो छोड़ के चली जाएगी, तो आप उस डर से बाहर निकल आइए। क्योंकि और यदि आप डर से निकलना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है परिवार, उसमें हमने वीडियो दे रखे हैं, आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको कुछ बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। मित्रों, पति पत्नी का संबंध जो है वो विश्वास पर टिका होता है, और संबंध में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। जहाँ बच्चे हैं, जहाँ माता पिता, जहाँ परिवार है, वहाँ मात्र आप कहते हैं कि भाई इस पे संबंध टिका हुआ है, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी भूल में जी रहे हैं।
मित्रों एक बात अपने आप को आप बताइए, क्योंकि आप भी ये जानते हैं, क्योंकि अधिकांश आपने जो टिप्पणियां की हैं उसके अलावा आप बहुत से लोगों के औरों की टिप्पणियां भी देख लीजिए, जो कहते हैं कि हम धातु रोग से परेशान हैं, हमने इस क्रिया को इतनी बार किया तो हम परेशान हो गए। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं हमारी ये उम्र है 50 साल की, हमारी उम्र है, हम दिन में 5 बार 6 बार ये चीज़ करते हैं पर हमें कोई समस्या नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। पर सबको समस्याएं नहीं है ऐसा भी नहीं है, बहुत से लोगों को समस्याएं आ जाती हैं, हम उनके लिए वीडियोज़ बनाते हैं जिनको समस्याएं आ जाती हैं। तो आप यदि इस बात को समझते हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोग समझे बिना कुछ चीज़ें कह देते हैं, और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ों को देखती ही नहीं हूँ, मैं अनदेखा, एक बार जरा सा लगा कि टिप्पणी क्या है मैं उसको या तो डिलीट मार देती हूँ या अनदेखा करके आगे बढ़ जाती हूँ। पर आपके स्थान पर कोई आप जैसा ही पढ़ता है उसको बहुत बुरा लगता है, उसका मनोबल टूटता है आपकी ऐसी टिप्पणियों से। तो यदि आप इस बात को समझते हैं, और हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये क्रिया की कैसे जाए, कई बार कुछ लोग बहुत से भ्रमित हो जाते हैं और बहुत सी चीज़ें पालन नहीं कर पाते, उसके लिए हमारे एक सहयोगी हैं, उनका चैनल है, उनके चैनल का नाम है ज्ञान चक्षु। की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस नाम से हमने दे रखी है, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा आपको, उस लिंक पे जाइए, उसमें उन्होंने कुछ वीडियोस दिए हुए हैं, आप उन वीडियोस का भी पालन कर सकते हैं और उस अनुसार कुछ चीज़ें आप करें तो शायद आपके जीवन साथी को अधिक आनंद आएगा। ये आप दोनों की परस्पर बातें हैं, कुछ बातें वहाँ से आप ले लें वो आपको सहायक सिद्ध होंगी, और बाकी आप विवरण के वीडियोस देखेंगे तो आपको कैसा भी रोग है, आपके देह में मन का शरीर का कोई भी रोग है, हर रोग का निवारण हमने हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट है उनमें दे रखा है। आप हर प्लेलिस्ट में जो वीडियोस देखेंगे उनमें जो आपको वीडियो मिलेंगे हर वीडियो के विवरण में नियम पालन प्रणाम हमने दिया हुआ है, उसके वो करके आप अपने हर रोग को ठीक कर सकते हैं। हाँ, धातु रोग के विशेष वीडियोस हमने दे रखे हैं, धातु रोग प्लेलिस्ट है उसके वीडियोस देख लीजिए, और ये वीडियो मेरा परिवार में जाएगा क्योंकि पारिवारिक है, तो उसके वीडियो आप देख लीजिए और अपने नियम पालन प्राणायाम करके आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। और फोन करने तो नंबर उसमें है, लेकिन नियम पालन प्राणायाम किए बिना फोन ना करें अन्यथा निर्देश वही मिलने वाला है, और प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर कर दें। धन्यवाद। वंदे मातरम।